नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्वास्थ्य विभाग की प्रेस वार्ता। रायसेन के कलेक्ट्रेट कक्ष के सभाकक्ष में आज टीबी क्षय रोग को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय क्षय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए प्रभारी डॉक्टर प्रीति बाला ने कहा कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। टीबी मरीज के संपर्क में आने पर इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है। इसकी रोकथाम के लिए टीबी संक्रमित मरीज के परिजनों जो कि उसके साथ रहते हैं तथा स्वस्थ हैं, उन्हें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जाएंगी। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। बेसिकली ये एक मीडिया वर्कशॉप थी। 15 अक्टूबर से जो टीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है और यह काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम रहेगा, और इसका उद्देश्य है कि ज़िले में जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनका इलाज तो करना ही है, साथ में उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको प्रिवेंटिव यानी सुरक्षित रहने संबंधी जो दवाइयाँ हैं वो देनी है। और इस अभियान के पूरे होते होते तक हम सबका विश्वास है कि ज़िले में जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और अन्य लोगों को फैलने से भी ये बीमारी रुक जाएगी। लगातार सर्वे अभी चल रहा है, 1800 के आसपास पेशेंट हैं हर तरह की टीबी के हैं, परंतु हमारा फोकस ये रहेगा कि वो पेशेंट जो फेफड़ों से संबंधित टीबी के हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि वही कुछ हद तक टीवी उनसे फैल सकता है। तो इनका 15 तारीख से इनका इलाज शुरू होगा और ये अभियान शुरू होगा। आप मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस प्रोग्राम की जानकारी जन जन तक पहुँचे, और जो भी अन्य जानकारी इस बारे में चाहिए है तो वो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और जो हमारे टीवी के प्रभारी डॉक्टर हैं उनसे ली जा सकती है।